अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, बेसिकली इस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो इस टाइम चाय पी रहा हूँ क्योंकि सर्दी हो और धुंध हो और उसमें चाय ना पी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चाय तो फिर पीनी पड़ती है ना। ठंड फ्रेंड्स, इतनी ठंड है कि कंबल में पैर होते हैं और हाथ होते हैं और फिर भी वो ठंडे यख हुए होते हैं। इतनी शदीद सर्दी हो गई है। बट अल्लाह पाक से फिर भी रहमत मांगनी चाहिए, अल्लाह का करम मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक से अच्छी रहमत और अल्लाह पाक से अच्छी कोई रहमत और करम, अल्लाह पाक से बेहतरीन, अल्लाह पाक से बेहतर ना तो कोई रहम कर सकता है और ना ही कोई करम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बात यह है कि अब जो YouTube है, YouTube ने अब नया काम स्टार्ट कर देना है कि 2023 में YouTube ने अपनी जो पहले लॉन्ग वीडियोस थी उनको छोड़ के अब शॉर्ट वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देना है। वो क्यों स्टार्ट कर देना है? क्योंकि YouTube चाहता है कि TikTok और स्नैक वीडियो से अपने आप को ऊपर ले आए, क्योंकि वो अपने आप को लेवल में ऊपर लाना चाहता है कि जो है YouTube पे उसके फॉलोवर्स भी ज़्यादा हों, उसके फैंस भी ज़्यादा हों, उसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हों। तो YouTube अब ज़्यादा 2023 पे जो फोकस है वो करना स्टार्ट कर देगा शॉर्ट वीडियोस पे और लॉन्ग वीडियोस पे कम करेगा। तो प्लीज़ काइंडली आप लोग ऐसा करें कि आप लोग अभी से ही अपना जो है वो शॉर्ट वीडियोस का YouTube पे अकाउंट बना लें। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप डांस पे करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं का पैटर्न स्टार्ट करते हैं, या फिर आप कोई किसी को कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हैं उसका कोई अच्छा पैटर्न अख्तियार करना चाहते हैं, या फिर आप हदीसें करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पे कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं, पर आप अभी से कर लें ताकि फिर जब वो एकदम ही मोनेटाइज करना स्टार्ट करें शॉर्ट वीडियोस वाले चैनल्स को, तो आपका पहले से ही हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ काइंडली आप ऐसा करना शुरू कर दें और चाय पिएं, और सर्दी है इसलिए पिए। और फ्रेंड्स, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, आपको जब भी आपके वालदैन कहीं जाते हुए, आप फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई बात कहती हैं या कोई आपको बात कहते हैं या आपको ये कहते हैं कि बेटी ये ले जाओ, ये चीज़ अपने साथ ले जाओ तुम्हें रास्ते में ज़रूरत ना पड़े, या आप कोई सफ़र कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने वालदैन से मिलके जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा अपने साथ कोई भी चीज़ ज़रूरत की ले जाओ, खाने पीने की चीज़ ले जाओ ताकि तुम्हें रास्ते में मसला ना हो। तो वो वालदैन की हर बात माने, वालदैन आपको बेसिकली बात यह है कि आपके वालदैन जो भी बात आपको कहते हैं आप उसे हर हाल में मानने की कोशिश करें। आप सफ़र पे जा रहे हैं हो तब आपके वालदैन कोई आपकी आपको बात कहें आप तब उन्हें माने, तब उनकी बात को माने, तभी कभी भी उनकी बात को इग्नोर मत करें। कि फ्रेंड्स, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपने वालदैन की बात नहीं मानते तो फिर हमें रास्ते में बहुत मुश्किलात होती हैं, हमें ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि हमने अपने वालदैन की कही हुई बात को नहीं माना होता। तो हमें अपने वालदैन की हर बात को मानना चाहिए, क्योंकि हमारे वालदैन जो भी कहेंगे वो हमारे हक़ में हर तरह से बेहतर कहेंगे। बेशक वो हमें बेहतर ना लगे पर फिर भी वो हमारे हक़ में बेहतर ही कहेंगे, क्योंकि जितनी मोहब्बत हमारे वालदैन हमसे करेंगे कोई हमसाया या कोई थर्ड पर्सन नहीं कहेगा। तो इसलिए अपने वालदैन की हर बात माना करें। और प्लीज़ मुझे अच्छी दुआओं में याद रखें। मेरा नाम अरसलान है और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अच्छे कमेंट्स दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपका भला करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छी दुआओं में याद रखिएगा।